हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर एंड कैरेज ऑफ गुड्स बाय रेल। तो हम जब रेल से गुड्स को कैरेज करते हैं, उसको लेकर के जाते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एयर से बाय एयर हवा के माध्यम से अगर लेकर के जाते हैं, तो क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये हमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे, जो कि है 8101065300। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। और फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, मैं डेफिनेटली वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। आप वहां से नोट्स आराम से परचेस कर पाओगे एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। अभी प्राइसेस बहुत ही ज्यादा लो है, जो कि एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं और टाइम वैल्यू ऑफ नोट्स जो है वो एक तरीके से तकरीबन खत्म हो गया है, बट स्टिल है। जो लोग परचेस करना चाहते हैं डेफिनेटली उनको फायदा होगा। एंड यस, और बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज अबाउट द कैरेज ऑफ गुड्स बाई एयर एंड बाई रेल। ठीक है, तो क्या है डिफरेंस, एक एक करके देखते हैं फिर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज गवर्न बाई वॉर्सो कन्वेंशन 1929, विच वॉज अमेंडेड इन 1955 with laying down of four protocols. It has been approved in 120 countries. In India, the Indian Carriage Act 1943 was replaced by the Indian Carriage Act 1972. तो देखो, कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर जो होता है, देखो अब यहाँ पे क्योंकि एक कंट्री तो इन्वॉल्व नहीं है, एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है, तो जब एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होगी तो यहाँ पे कोई इंडियन लॉ या फिर किसी कंट्री का पर्टिकुलर लॉ तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ काम करेगा। तो यहाँ पे वॉर्सो कन्वेंशन 1929 का जो लॉ है वो काम करता है, जिसको अमेंड किया गया था 1955 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे इंडिया में भी एक एक्ट है जिसके जरिए ये काम करता है, वो है इंडियन कैरेज एक्ट 1943, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था इंडियन कैरेज एक्ट 1972 से। बट इन दोनों एक्ट के सहारे, इन दोनों एक्ट के बेसिस पे ही जो है कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर पॉसिबल है और इसको किया जाता है। और ये जो पहला मैंने बताया वॉर्सो कन्वेंशन, ये 120 कंट्रीज द्वारा जो है अप्रूव किया गया है, तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ है आप बोल सकते हो, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, The Airway Bill AWB acts like a evidence of contract between carrier and consignor and as a receipt issued by the carrier obligating the carrier to deliver cargo to consignee. ठीक है, तो एयरवे बिल क्या होता है? एयरवे बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एयरवे बिल जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि एक किस्म का बिल है जो कि एयरवे में जाने के लिए या फिर काम करता है। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से एज ए एविडेंस काम करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन द कैरियर एंड द कंसाइनर, जिसमें आपको जो है इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना है। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से एज ए एविडेंस जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होता है जब आपके पास बिल होता है, तो एक आपका एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होता है दैट यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट दैट यू हैव टू द कंसाइनी। कंसाइनर ने कैरियर से कॉन्ट्रैक्ट किया, कैरियर बोला कि ठीक है मैं आपके सामान को कंसाइनी तक पहुंचा दूंगा, तो बीच में उनके एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको हम एयरवे बिल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, एंड मेड इज नेम ऑफ पार्टी फॉर हुम द कार्गो इज डिजिग्नेटेड, है ना। तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ होता है जो कि उस पार्टी का होता है जिसके लिए वो कार्गो जो है डिजाइन किया गया या फिर उसको दिया गया है कि भाई तुम्हारे सामान को हम पहुंचा रहे हैं, तो तुम्हारा नाम इस चीज में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, When a shipment is made on DA or DP basis, the bank is asked to secure payment in its name by the exporter. ठीक है, तो जब भी शिपमेंट मेड किया जाता है DA के द्वारा या फिर DP basis पे, तो जो बैंक होता है उसको पूछा जाता है, the bank is asked to secure payment in its name by the exporter. एक्सपोर्टर बोलता है कि आप अपने बैंक में इसका पेमेंट जो है रिसीव कर लो। ठीक है, If, however, the payment has been received in advance or LC terms, है ना, letter of credit terms, the AWB is made in the name of importer. लेकिन अगर पहले ही कोई अगर एडवांस मिल गया है कोई LC terms के अकॉर्डिंग, तो जो एयरवे बिल होगा वो इंपोर्टर के नाम पे होगा, जो उस पैसे को इम्पोर्ट, जो सामान को इम्पोर्ट करवा रहा होगा उसके नाम पे होगा। ठीक है, तो कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर में ये सारी चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेज ऑफ गुड्स बाय लैंड एंड रेल, तो इसमें क्या होगा। नाउ द CIM कन्वेंशन 1970 and CMR convention 1956 respectively govern the movement of goods by rail and land. The countries where they have been approved, western and european, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो CIM convention है 1970 का या फिर CMR convention है 1956 का, इसके according जो है goods carriage of goods by land and rail एक तरीके से इस law के तहत जो है काम करता है, और ये mostly जो है western और european countries में इसका इस्तेमाल किया जाता है। These convention have not been adopted by India. अब इसको देखो, इन conventions को
इंडिया ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है और ना ही हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। अंडर द सीआईएम कन्वेंशन अ कंसाइनमेंट नोट इज इश्यूड फॉर इंटरनेशनल कैरेज ऑफ गुड्स बाय रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू यू नो इंटरनेशनल कैरेज को ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पे कंसाइनमेंट नोट इशू किया जाता है अंडर द सीआईएम कन्वेंशन, जो कि लाइक हमारे इंडिया में या फिर एशियन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। ये मोस्टली जो है यूरोपियन कंट्रीज के लिए है और साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज है, आई मीन यूरोप अमेरिका इन सब के लिए है, वहां पे ये सारी चीजें जो है होती है। द कैरेज ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड इंटरनेशनल व्हेन रेल मूव्स इन एटलीस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, है ना। जो कैरेज ऑफ गुड्स है उसको इंटरनेशनल माना जाएगा अगर वो सामान जो है वो दो देशों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में अगर वो जा रहा है। यहाँ पे स्टेट मतलब राज्य नहीं, यहाँ पे स्टेट मतलब देश है, आप ये समझ लो। द कंसाइनमेंट नोट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, लेकिन इस केस में भी कंसाइनमेंट नोट, जैसे कि एयरवे बिल के बारे में बोला गया था कि वो कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, उसी तरीके से कंसाइनमेंट नोट भी जो होता है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता। इट सर्व्स एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज एंड एक्ट एज अ रिसीट ऑफ गुड्स, ठीक है। ये काम करता है एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कैरेज के साथ में होता है और आपने इस सामान को रिसीव कर लिया है उस चीज के तौर पे भी ये काम करता है, क्योंकि कंसाइनमेंट नोट के ऊपर ही आप अपना सील मोहर मारोगे कि भाई हमने सामान जो है रिसीव कर लिया है, राइट। तो वो चीज कैरियर इज लायबल टू फॉर डैमेज, जो कैरियर होता है वो लायबल होता है डैमेज के लिए और लॉस डन टू द गुड्स, अगर गुड्स में किसी भी तरह का लॉस या फिर डैमेज होता है तो उसके लिए कैरियर को ही उसकी भरपाई करनी होती है। इट इज लिमिटेड टू 50 गोल्ड फ्रैंक्स पर केजी, है ना। तो एक केजी के लिए उसको जो है 50 गोल्ड फ्रैंक्स पे करने होते हैं। फ्रैंक्स मतलब आप बोल सकते हो फ्रांस की जो करेंसी है, उनका जो अपना करेंसी, हालांकि वहां तो यूरो चलता है बट उनकी अपनी भी करेंसी है। तो 50 गोल्ड फ्रैंक्स जो है उनको पे करने होते हैं फॉर पर केजी ऑफ डैमेज और पर केजी ऑफ लॉस ऑफ ग्रॉस रेट ऑफ अनइंटेंडेड डैमेज, ठीक है ना। जब अनइंटेंडेड होगा, जहां पे जानबूझ करके आप डैमेज नहीं कर रहे हो, और 100 गोल्ड फ्रैंक इन केस ऑफ डैमेज इज डन ड्यू टू ग्रॉस नेग्लिजेंस और विलफुल मिसकंडक्ट, और आपको यही चार्जेस डबल हो जाएंगे, आई मीन 100 गोल्ड फ्रैंक हो जाएंगे अगर जो डैमेज हुआ है वो आपकी नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है या फिर किसी मिसकंडक्ट के कारण हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लॉ है, इसको आप याद रख सकते हो। अंडर सीएमआर कन्वेंशन, सीआईएम के बात कर ली हम लोगों ने, अब बात कर लेते हैं सीएमआर कन्वेंशन के बारे में। सो कंसाइनमेंट नोट इज इशूड, सेम उसी की तरह कंसाइनमेंट नोट इशू किया जा रहा है, विच सर्व्स एज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज एंड एक्ट एज अ रिसीट ऑफ गुड्स। इसका भी वही किस्सा है जो ऊपर वाले का था, सेम टू सेम। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वही बात बोली गई है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड ट्रांसपोर्ट फॉर रोड विच बाय एयर, सी, रेल और इनलैंड वाटरवेज। ये क्या बोला गया, इट इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड व्हीकल। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड व्हीकल की बात की जा रही है। एक तो रोड में जाने के लिए हो गया, प्लस कोई रोड व्हीकल है, ठीक है, रोड पर चलने वाली व्हीकल है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो बाय एयर, बाय सी, बाय रेल या फिर बाय इनलैंड वाटरवेज, तो इस केस में भी ये नियम जो है लागू होगा। देखो, शुरू में बात की गई रोड की, रोड पे वो काम कर रहा है, आई मीन लैंड पे काम कर रहा है, और दूसरी बात है कि कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा गाड़ी जो कि रोड पे काम करेगा लेकिन उसको ले जाने का तरीका जो है भाई वो बाय एयर, बाय सी, बाय रेल हो सकता है या बाय इनलैंड वाटर वे हो सकता है, तो उस केस में भी ये लॉ जो है काम करेगा। द कैरियर इज लायबल फॉर एनी डैमेज डन टू द गुड्स अप टू द 8.33 एसडीआर पर केजी ऑफ ग्रॉस वेट और हायर वैल्यू एज एग्रीड अपॉन, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का लॉस यहाँ पे होता है, डैमेज होता है, तो इस केस में जो कैरियर होगा उसको 8.33 एसडीआर का जो वैल्यू है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का जो वैल्यू होता है, पर केजी आपको पे करना पड़ेगा, या तो उससे भी ज्यादा हाईर वैल्यू, जो जिस भी वैल्यू पे आप लोगों ने एग्री किया है। देखो, जब डील की जाती है तो इसमें एग्रीमेंट होता है कि भाई लॉस अगर होगा तो हम तुमसे इतना चार्ज लेंगे, ठीक है ना। द कन्वेंशन स्टेट्स दैट लॉस मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली इफ द डैमेज वाज अपेरेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे बोला जाता है कन्वेंशन के तहत, ये बात बोली गई है कि अगर लॉस होता है, बहुत ही इमीडिएटली अगर होता है, जब भी होगा तो उसके इमीडिएटली जो है आपको जो है यू नो इसकी जानकारी जो है रिपोर्ट करवानी है। रिपोर्ट इमीडिएटली द डैमेज वाज अपेरेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर डिलीवरी के टाइम पे ये हुआ है तो आपको बहुत इमीडिएटली जो है आपको रिपोर्ट कराना होगा आपके डैमेज का, आपके लॉस का। विद इन सेवन डेज इफ द डैमेज वॉज नॉट अपेरेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड विद इन 14 डेज इफ लॉस इज ड्यू टू डिले इन डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से टाइम बता दिया गया कि 7 दिन का टाइम होता है अगर अपेरेंट होता है, नॉट अपेरेंट होता है, अपेरेंट होता है तो इमीडिएट बताओ, नॉन अपेरेंट है तो उस केस में आपको जो है 7 दिन का समय मिलता है, और साथ ही साथ अगर आपको डिले होता है डिलीवरी के कारण 14 दिनों का, तो उस केस में भी आप एक तरीके से क्लेम वगैरह कर सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर एंड कैरेज ऑफ गुड्स बाय
रेल, ठीक है। सो इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन, सो ट्राई टू राइट इट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके लिखो इसके बारे में। उसके पहले जरूरी है कि आप इसको पढ़ो अच्छे तरीके से, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप एक कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लो, मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।